गोकलपुरी पुलिस ने वांटेड क्रिमिनल रवि के पास से एक पिस्टल और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। उसे इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर पूर्वी जिले के गोकलपुरी पुलिस ने गोकलपुरी के नाला रोड से वांटेड क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी रवि उर्फ रिंकू पर आरोप है कि उसने 24 अगस्त को दिन दहाड़े गोकलपुरी में नीरज अरोड़ा नाम के 44 साल के एक शख्स की गला रेतकर हत्या की थी। गोकल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी रिंकू को गिरफ्तार करने के लिए 26 अगस्त की रात करीब 12:45 बजे उसे ट्रैप पर लगाया था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी रवि गोकलपुरी में किसी से मिलने वाला है। दिल्ली पुलिस के प्लान के मुताबिक गोकलपुरी इलाके में नाला रोड के पास जब रवि पुलिस के सामने आया तो उसने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में रवि उर्फ रिंकू घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान हत्या आरोपी रवि के पैर में गोली लगी। गोकलपुरी पुलिस ने आरोपी रवि के पास से एक पिस्तौल और एक चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की। उसे घायल अवस्था में जीटीपी अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले में 3 और आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस की माने तो रवि खतरनाक क्रिमिनल है और उसके खिलाफ कई मामले पहले से ही पुलिस में रिकॉर्ड में दर्ज है। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में शनिवार शाम नीरज अरोड़ा की हत्या हुई थी। नीरज की हत्या दिल्ली यूपी की सीमा पर हुई थी। एरिया को लेकर लोनी और दिल्ली पुलिस के बीच विवाद भी हुआ था। लोनी पुलिस दिल्ली का इलाका बताने में लगी थी जबकि दिल्ली पुलिस अपना एरिया मानने को तैयार नहीं थी। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने दखल देकर गोकलपुरी थाने में मामला दर्ज करने के लिए कहा। इसी हत्याकांड में रवि उर्फ रिंकू का नाम आया था। पुलिस तभी से रिंकू की तलाश में थी।